नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद खास शो मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, कई बच्चे ना दही खाना पसंद नहीं करते या दही नहीं खाते हैं, और इस चीज से माँ जो होती है बड़ी परेशान होती है कि दही नहीं खाते बच्चे। तो आज ना मदर्स को ना मैं दही को लेके कुछ छोटी मोटी बातें आपको बताने वाली हूँ कि बच्चा अगर दही नहीं खाता है तो कोई बात नहीं, दही के जो पोषण है हम और किसी तरीके से पूरा कर सकते हैं। साथ ही अगर दही आपको खिलानी है तो किस तरीके से आप अपने बच्चे को दही दे सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी पर करते हैं बात। देखिए, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी बेटी जो है वो दही नहीं खाती थी, उसको दही खाना पसंद नहीं था। मुझे भी यही कंफ्यूजन रहती थी कि भाई मेरा बच्चा दही नहीं खाता है, दही में तो इतने पोषण तत्व होते हैं। तो मैंने क्या किया, दही को थोड़े टाइम के लिए साइड हटा दिया उसकी डाइट से। और मैंने क्या किया, दही किससे बनता है, दूध से ही बनती है ना। तो आप दही में क्या होता है, कैल्शियम प्रोटीन, ये बहुत हम मेनली कैल्शियम और प्रोटीन के लिए तो खिलाते हैं, तो आप वो चीज़ दूध में दीजिए, वो चीज़ पनीर में दीजिए, ठीक है ना। आप और चीज़ें जो कैल्शियम के सोर्सेस हैं, विटामिन डी के सोर्सेस हैं, आप उसके ज़रिए आप बच्चे को देना शुरू कीजिए। और अगर आप दही देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने किया था, मैंने थोड़े टाइम के लिए अलग रख दिया और बच्चे को दूध पनीर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर था जिनमें कैल्शियम विटामिन डी और प्रोटीन है। साथ ही मैं दही का मैंने फॉर्म बदल दिया, उसको लस्सी की तरह देने लगी, मीठी लस्सी की तरह, शहद डाल के उसको छाछ की तरह देने लगी, तो उसको अच्छा लगा और उसने वो लिया। और फिर मैं उसको धीरे धीरे दही का जो एक होते हैं ना कंसिस्टेंसी, उसको मोटा करती गई। पहले उसको पतली कंसिस्टेंसी में दे रही थी लस्सी के फॉर्म में, फिर उसको दिया मैंने छाछ के फॉर्म में, फिर उसकी कंसिस्टेंसी मैंने हल्की सी बढ़ा दी, मोटी कर दी यानी थिक कर दी। फिर मैंने उसको दही का मैंने उसको उसको बोला ये क्रीम है, आप क्रीम खा के देखो, शहद डाल के मैंने उसको दिया तो उसको अच्छी लगी। फिर मैंने उसको एक बार फीका ट्राई करवाया, फीका उसने नहीं खाया। फिर मैंने उसको दाल चावल जब हम बेसिकली खाते हैं घर में उसके साथ दिया तो उसको बहुत टेस्टी लगा, तो उसने उस तरीके से दही खाई। तो मैंने कभी फोर्सफुली फीडिंग नहीं कराई अपने बच्चे को, उसको टाइम दिया उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने दही को इंट्रोड्यूस कराया अपने बच्चे को, वो नहीं खाती थी। अगर आपका भी बच्चा दही खाने से थोड़ा परहेज रखता है, दही नहीं खाना अवॉइड करता है, तो इस तरीके से एक बार आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी उसने एक्सेप्ट कर लिया था और मैंने जिन लोगों को भी ये सलाह दी उनके बच्चों ने भी इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। बट हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी दही की जो भी आप दही के न्यूट्रिएंट है वो और तरीके से भी बच्चे के अंदर फुलफिल कर सकते हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, साथ ही आप बच्चे को कैल्शियम किस किस में है, विटामिन डी किस किस में, फ्रूट्स में होता है, आप वो दीजिए और सब्जियां दीजिए बच्चों को, उसके ज़रिए भी कैल्शियम विटामिन डी और प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को दही के पीछे ही बच्चे को खूब डांटे, खूब वो करें, बिल्कुल नहीं। फोर्सफुली फीडिंग बिल्कुल ना कराएं, बहुत आराम से कराएं, क्योंकि बच्चा अगर आप उसे ना ज़बरदस्ती खिलाएंगे ना तो वो खाने से ना पर अवॉइड करने लगेगा, यानी कि मम्मी इस चीज़ को लेकर डांटती है तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो नहीं, बहुत प्यार से, बहुत बातें करके, उसको घुमा फिरा के इस तरीके से खिलाएं, बच्चे को खाने से प्यार करना सिखाएं, तभी बच्चा खाना खाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।